आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, आपके इंडस्ट्री में नॉर्मली क्लीन और कूलर के पास दो टो गियरबॉक्स लगे रहते हैं, एक रहता है मेन गियरबॉक्स और दूसरा रहता है ऑक्सिलरी गियरबॉक्स। ये ऑक्सिलरी गियरबॉक्स का काम क्या रहता है और इसको कूलर और क्लीन में जरूर क्यों इंस्टॉल किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो थोड़ा ही पसंद आता है या तो आप लोगों को कुछ भी नया जानकारी मिलता है मेरे वीडियो से, तो अपने फ्रेंड ग्रुप में मेरे वीडियो को शेयर करने के लिए मत भूलिए। इसके साथ साथ इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा जहां पर हाई टेम्परेचर रहता है या तो क्लीन या तो कूलर, जहां भी आपका हाई टेम्परेचर रहता है उस जगह में एक ऑक्सिलरी गियरबॉक्स का यूज किया जाता है, क्योंकि रनिंग कंडीशन में कभी भी आपका अगर मेन गियरबॉक्स फेलियर हो गया या तो मेन गियरबॉक्स के साथ कोई भी मोटर जो लगा है वो मोटर किसी कंडीशन से फेलियर हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है आपका क्लीन रोटेट नहीं हो पाएगा या तो आपका कूलर रोटेट नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन में क्या रहता है, आपके क्लीन के अंदर में जो भी मटेरियल रहता है उसका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो उस कंडीशन में आपका क्लीन का सेल डैमेज हो सकता है या तो क्लीन के टायर को डैमेज कर सकता है या तो क्लीन के अंदर में जो कैस्टेबल रहता है उसको भी डैमेज कर सकता है। तो उस कंडीशन में सडन क्लीन या तो कूलर एक जगह में स्टॉप ना हो जाए, वो कंटिन्यूस रोटेट करते रहे, उसके लिए ऑक्सिलरी गियरबॉक्स का यूज किया जाता है। उस कंडीशन में हम लोग ऑक्सिलरी गियरबॉक्स को यूज करते हैं और ऑक्सिलरी गियरबॉक्स को यूज करके हम लोग क्लीन को रोटेट करते हैं और जो भी क्लीन के अंदर में मटेरियल लेते हैं एक बार वो मटेरियल खाली हो जाए तो उस वक्त हम लोग क्लीन को स्टॉप कर सकते हैं। तो क्लीन सडन स्टॉप ना हो जाए या तो कूलर सडन स्टॉप ना हो जाए उसके लिए ऑक्सिलरी गियरबॉक्स का यूज किया जाता है। दूसरा जो रीजन होता है ऑक्सिलरी गियरबॉक्स यूज करने का, कभी कभी आपका जब लॉन्ग टर्म में क्लीन चलने लगता है जो क्लीन के अंदर में एक्रेशन रहता है वो ज्यादा फॉर्मेशन हो जाता है, कभी कभी अगर वन साइड एक्रेशन फॉर्मेशन हो गया उस कंडीशन में क्या होता है आपका क्लीन मेन ड्राइव क्लीन को घुमा नहीं सकता, अगर एक्स्ट्रा लोड क्लीन के मेन ड्राइव के ऊपर में पड़ा तो वो क्या करता है क्लीन के मेन ड्राइव को ट्रिप करवा देता है, तो क्लीन का मूवमेंट हो नहीं पाता। उस कंडीशन में क्लीन का ऑक्सिलरी गियरबॉक्स को यूज किया जाता है, क्योंकि क्लीन के ऑक्सिलरी गियरबॉक्स में आरपीएम कम रहता है तो वो टॉर्क उसमें इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि टॉर्क इंक्रीज होता है वो इजीली हाई लोड को भी रोटेट करवा सकता है, इसलिए क्लीन का ऑक्सिलरी गियरबॉक्स का यूज किया जाता है कभी कभी हाई टॉर्क को अचीव करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना दो कारण जिसके वजह से आपका क्लीन का ऑक्सिलरी गियरबॉक्स का यूज किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा ही पसंद है आप या तो आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नहीं सीखा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा।